मित्रों, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे, जिसे हम कहते हैं न्यू माल्थूसियन, नव माल्थसवाद। आपने माल्थस वाला अध्याय जरूर देखा होगा और वहाँ पर हम लोगों ने माल्थस के जो भी विचार हैं उस पर काफ़ी डीपली बात की। अगर हम उसको एक शॉर्ट रूप में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि माल्थस महोदय का यह मानना था कि जो पॉपुलेशन में होने वाली ग्रोथ है वो गुणोत्तर दर से हो रही है, और जो फूड है, जो हमारा खाद्यान्न है, उसमें समांतर दर से ग्रोथ हो रही है। इसके पश्चात असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने माल्थूसियन कैटास्ट्रॉफी टर्म का यूज़ किया था, और इसके बाद फिर उन्होंने दो प्रकार के नियंत्रक, कंट्रोलर्स की बात की थी, आर्टिफिशियल और नेचुरल, अर्थात कृत्रिम और प्राकृतिक नियंत्रक। तो जो माल्थस अगर महोदय की गर्म बात को देखें तो उन्होंने कृत्रिम नियंत्रक के अंतर्गत विवाह न करना, आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य पालन और देर से विवाह इत्यादि को बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया था, और वो अन्य कृत्रिम साधनों के प्रयोग के विरोधी थे। ये आपने वहाँ देखा था। यद्यपि वो उसको कृत्रिम नियंत्रक में रखते थे, प्राकृतिक नियंत्रक में उन्होंने बाढ़, सूखा, काल ये सब रखा, और कृत्रिम नियंत्रक में उन्होंने ये सारी चीज़ें जो भी हमने देखी उनको रखा, लेकिन उनका जो मेन कह सकते हैं समर्थन जो था, या कह सकते हैं जिसकी ओर झुकाव था, वो ब्रह्मचर्य पालन, विवाह न करना, आत्मसंयम इत्यादि की ओर उनका ज़्यादा झुकाव था। अन्य जो कृत्रिम साधन होते हैं उनके भी विरोधी थे। लेकिन इसके बाद जो उनके अनुयायी आते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो नव माल्थसवाद वाले हैं, न्यू माल्थूसियन वाले जो हैं, ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रमोट करते हैं अन्य जो हमारे कृत्रिम नियंत्रक हैं। तो ये इस प्रकार थोड़ी सी इनकी विचारधारा जो है वो माल्थस से यहाँ पर अलग हो जाती है। लेकिन ये भी कहते हैं, नव माल्थसवादी ये मानते हैं कि यदि माल्थस महोदय आज जीवित होते तो वे इस आंदोलन के प्रमुख नेता होते, क्योंकि उनके समय का टाइम पीरियड अलग था, उस समय वैसी स्थितियां नहीं थी। लेकिन आज अगर वो होते तो वो भी इस प्रकार के जो कृत्रिम नियंत्रक हैं उनको कह सकते हैं कि उनके समर्थन में होते या उनके समर्थक होते। कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है, माल्थस अगर आज भी होते तो भी वो इस प्रकार के जो कृत्रिम नियंत्रक हैं उनके विरोधी ही होते, और ब्रह्मचर्य पालन, आत्मसंयम इत्यादि को ही वो प्रबलता से लोगों से मानने के लिए कहते। तो इस प्रकार से यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है नव माल्थसवाद का। ज़्यादा कुछ इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है, बस यही है कि ये लोग कहते हैं कि हम माल्थस के ही अनुयायी हैं, बट थोड़ा सा इनका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आके डिफरेंस हो जाता है, जहाँ पर माल्थस कृत्रिम नियंत्रकों में केवल ब्रह्मचर्य पालन, देर से विवाह न करना, आत्मसंयम इत्यादि पर बल देते हैं, तो वहीं जो ये न्यू माल्थूसियन वाले लोग हैं, ये अन्य जो बर्थ कंट्रोल या संतति निग्रह के साधन हैं, अन्य जो उपाय हैं उन पर बल देते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों के विचारधाराओं में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों को डिफरेंस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं उनमें अमेरिका की श्रीमती मॉर्गेट स्ट्रेंजर और इंग्लैंड की श्रीमती मेरी स्टॉपस जैसे जो हमारे विद्वान हैं, ये लोग इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। नव माल्थसवाद का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोस्तों यह है कि माल्थस महोदय का अगर आप मान्यता पढ़े होंगे, आपको याद होगा, तो वहाँ पर पहली मान्यता ये थी कि मनुष्य में काम वासना यथास्थिर होती है और इसी के कारण संतति की इच्छा भी स्वाभाविक ही होती है। अर्थात माल्थस ने बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्टेक की नव माल्थसवादियों के हिसाब से, कि उन्होंने काम वासना या काम इच्छा के और साथ ही साथ संतान की इच्छा दोनों को एक ही जैसा मान लिया है, जो कि गलत है। नव माल्थसवादी ऐसा मानते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो नव माल्थसवादियों और माल्थस में यहाँ पर हो जाता है, और एक पहले डिफरेंस जो हम लोग बात कर चुके हैं कृत्रिम नियंत्रकों में। तो यही बेसिक डिफरेंस है माल्थस में और नव माल्थसवाद में। तो इस प्रकार दोस्तों न्यू माल्थूसियन के इस चैप्टर में इतना ही, छोटा सा ही बस कॉन्सेप्ट था, बस आपको चीज़ें बतानी थी। और
मालथस को अगर हमने पढ़ा है तो ये भी ज़रूरी है कि नव मालथसवाद को भी जाने, क्योंकि अक्सर पूछा जा सकता है कि क्या नव मालथसवाद है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी कुछ छोटी सी चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, बस उसी पे ध्यान देना है। एक जो कृत्रिम नियंत्रकों वाली बात वहाँ पहले हमने की कि मालथस कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन, देर से विवाह, आत्मसंयम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और अन्य जो कृत्रिम नियंत्रक होते हैं उनका वो विरोध करते हैं। लेकिन जैसे बाकी जो नव मालथसवादी वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो अन्य कृत्रिम नियंत्रक होते हैं ये ज़्यादा सही होते हैं। और वो नव मालथसवादी जो हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर मालथस जीवित होते तो वो भी यही मानते, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी आए हैं जो कहते हैं कि नहीं, अगर मालथस जीवित होते तो वो नव मालथसवादियों के सिद्धांत को नहीं मानते। तो ये तो सबके अपने अपने विचार हैं, तो हमको बस इतना समझना है कि नव मालथसवादी जो हैं वो मालथस के अनुयायी अपने आप को मानते हैं, और मालथस के पूरे सिद्धांत के वे समर्थक हैं, सिद्धांत को गलत नहीं कहते हैं, बस वो कुछ जगहों पर सिद्धांत में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संशोधन करते हैं या नई चीज़ों को ऐड करते हैं। पहली बात हमने पहले की, और अभी जो हमने लास्ट में संतति इच्छा और काम इच्छा वाली बात की, वो तो दो तीन चीज़ों को बस ये ऐड करते हैं, बाकी पूरा का पूरा इनका समर्थन मालथस को ही है। तो इस प्रकार ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। अब आगे हम लोग और जो हमारे टॉपिक्स हैं, जनसंख्या के सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो मुझे लगा कि इसको भी बता देना चाहिए आप लोगों को। थैंक यू फ्रेंड्स।